गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2B इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 5th. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1, सूर्यांस बोट ए प्लॉट फॉर 70,68,420 रुपीज. ही स्पेंट 60,75,000 एज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. मीन्स यहाँ पे जो सूर्यांस है उसने 70,68,420 के प्लॉट खरीदा जिसमें उसने कंस्ट्रक्शन कराया और उसकी कॉस्ट बैठी 60,75,000 की. अब ये बताना है हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ही स्पेंड, कि उसका कितना टोटल अमाउंट खर्च हुआ. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सूर्यांश बोट ए प्लॉट इज इक्वल टू रुपीज 70,68,420. क्लियर. ही स्पेंट 60,75,000 रुपीज. अब हमें टोटल बताना है कि टोटल कितनी अमाउंट खर्च हुई, तो इनको प्लस करते हैं. तो 0, 0 प्लस 0, 0, 2 प्लस 0, 2, 4 प्लस 0, 4, 8 प्लस 5, 13, 13 का 3 कैरी 1 नेक्स्ट प्लेस पर, 1 प्लस 6, 7, 7 प्लस 7, 14, 14 का 4 कैरी 1 नेक्स्ट प्लेस पर, 1 प्लस 0, 1, 1 प्लस 0, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 7 प्लस 6, 13. तो कॉस्ट कितनी बैठी टोटल, 1,31,43,420. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए कंपनी मैन्युफैक्चर 8,20,932 बाइक्स इन ए ईयर. मीन्स यहाँ पे जो कंपनी है वो एक साल में 8,20,932 बाइक्स बनाती है. क्लियर. इन द नेक्स्ट ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर में इट मैन्युफैक्चर 1,00,000 मोर बाइक. मीन्स जो उसने पहले जो बाइक बनाई थी उससे 1,00,000 ज्यादा बाइक वो नेक्स्ट ईयर बनाती है. हाउ मेनी बाइक्स डिड इट मैन्युफैक्चर इन द सेकेंड ईयर, मीन्स सेकेंड ईयर में उसने कितनी बाइक बनाई. तो इसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे, ए कंपनी मैन्युफैक्चर बाइक इन ए ईयर कितना बनाती है, 8,20,932, और सेकेंड ईयर में कितना बनाएगी, इन नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर में कितना बनाएगी, जो उसने जो पहले जो बाइक बनाई थी उससे 1,00,000 ज्यादा बाइक बनाती. तो हम इसे लिखेंगे 8,20,932 प्लस 1,00,000. अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करते हैं. तो रफली इसको हम साइड में यहाँ पे प्लस करेंगे, इधर की साइड में 8,20,932 और नीचे लिखेंगे 1,00,000. अब जब इनको प्लस करेंगे सिंपली तो कितना आएगा आंसर, ये आ जाएगा, यह आंसर आएगा 9,20,932. तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 9,20,932 बाइक्स ये इसने नेक्स्ट ईयर में बनाई थी. क्लियर, ये हमारा आंसर है. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3, इन ए कोल्ड स्टोरेज देयर वर 84,23,426 चेडर चीज ब्लॉक एंड 12,86,780 मोजरेला चीज ब्लॉक. हाउ मेनी टोटल चीज ब्लॉक वर स्टोर इन द कोल्ड स्टोरेज. तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में दो टाइप के चीज हैं, एक तो स्मूथ चीज है और दूसरा है सेमी स्मूथ चीज. तो यहाँ पे चीज का मतलब होता है पनीर. क्लियर. तो यहाँ पे जो चेडर चीज है ये 84,23,426 है
और जो मोजरेला चीज है वो कितने हैं, 12,86,780। तो हमें ये बताना कि टोटल चीज ब्लॉक कितने स्टोर किए गए हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ए कोल्ड स्टोरेज, चेडर चीज ब्लॉक कितने हैं, 84,23,426। और यहाँ पे जो मोजरेला चीज कितने हैं, मोजरेला चीज ब्लॉक कोल्ड स्टोरेज में कितने हैं? ये है 12,86,780। अब हमें टोटल बताने हैं, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 6 आ गया, 2+8 10, 10 का 0 कैरी 1 नेक्स्ट प्लेस पे, क्लियर। 1+4 5, 5+7 12, 12 का 2 कैरी 1 नेक्स्ट प्लेस पे, 1+3 4, 4+6 10, 10 का 0 कैरी 1 नेक्स्ट प्लेस पे, 1+2 3, 3+8 11, 11 का 1 यहाँ पे और कैरी 1 जो होगा वो नेक्स्ट प्लेस पे जाएगा, 1+4 5, 5+2 7 और 8+1 9। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो ये बैठेगा 97,10,206। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन यूरोप 6,55,000 पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन साइकिलिंग प्रोडक्शन। मीन्स यहाँ पे यदि हम रिपोर्ट देखे जाए यूरोप में 6,55,000 जो लोग हैं वो काम करते हैं किसमें, साइकिलिंग प्रोडक्शन में। और इसमें जो 3,50,000 पीपल्स हैं वो किसमें काम करते हैं, स्टील सेक्टर में। और बाकी जो 6,15,000 है वो किसमें वर्क करते हैं, माइनिंग और क्वारी मीन्स खुदाई में, जैसे खुदाई से हम मेटल निकालते हैं और बहुत सारी चीज निकालते हैं। तो हाउ मैनी पीपल्स इन टोटल आर एम्प्लॉयड इन दिस 3 सेक्टर्स। तो इसमें हमें बताना है टोटल कितने पीपल्स एम्प्लॉय हैं इन 3 सेक्टर्स में। तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन साइकिलिंग प्रोडक्शन। तो कितना है साइकिलिंग प्रोडक्शन, 6,55,000। ओके, अब यहां पे जो स्टील में जो वर्क कर रहे हैं स्टील सेक्टर में कितने कर रहे हैं, 3,50,000। तो लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन स्टील सेक्टर। तो यहाँ पे कितना वर्क कर रहे हैं, 3,50,000। तो 3,50,000, क्लियर। अब यहाँ पे जो बाकी जो है किसमें काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन माइनिंग एंड क्वारिंग। तो इसमें है 6,15,000। अब हमें टोटल बताए तो टोटल में क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं इनको। तो ये तो 0,0,0 है, 5+5 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1 नेक्स्ट प्लेस पे। अब इनको प्लस करते हैं, 1+5 1+5 6 6+5 11 11+1 12। तो 12 का 2 कैरी 1 नेक्स्ट प्लेस पे। तो 1+6 7 7+3 10 10+6 16, अभी 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोमा लगाते हैं तो ये हुआ 16,20,000 एम्प्लॉय हैं जो इन तीनों सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, क्लियर। क्वेश्चन 5, दलजीत ड्राइव्स ए टैक्सी, ही ड्रोव 230 मीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इन 6 आवर। मीन्स यहाँ पे जो दलजीत है वो टैक्सी चलाता है और उसने दिल्ली से जयपुर तक उसने
कितना डिस्टेंस कवर किया, 281 किलोमीटर एंड 230 मीटर, कितने घंटे में, 6 आवर में। अब नेक्स्ट डे ही ड्रॉ 395 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर टू उदयपुर। यहाँ पे जो नेक्स्ट डे उसने 395 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाई कितने घंटे के लिए, 7 आवर्स में। हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही कवर इन मीटर्स, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है मीटर्स में वो बतानी है। एंड इन हाउ मच टाइम इन सेकेंड, और टोटल टाइम बताना है सेकेंड में। तो सबसे पहले लिखते हैं ही ड्रॉव ए कार फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, अब कितने आवर में, इन 6 आवर में, कितना किलोमीटर, 281 किलोमीटर एंड 230 मीटर, क्लियर। अब ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज करते हैं। अब आपको पता है, क्या पता है, वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, क्लियर। तो 281 किलोमीटर कितने के इक्वल होगा, 281 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 281 और 30, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 281,000 मीटर। अब इसमें क्या होगा, इसको लिखते हैं यहाँ पे 281,000 मीटर प्लस 230 मीटर, तो ये हो जाएगा 281,230 मीटर, मीन्स 281,230 मीटर। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट डे ही ड्रॉव ए कार जयपुर टू उदयपुर इन कितने आवर, 7 आवर, कितना चला है 7 आवर्स में, 395 किलोमीटर इसने गाड़ी चलाई, तो डिस्टेंस मीटर में कितनी होगी, 395 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो क्या आएगा, 395,000 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस हमें बतानी है, टोटल डिस्टेंस कवर इन टू डेज, अब जो टू डेज में जितने भी टोटल डिस्टेंस कवर किए वो बताते हैं, तो क्या करेंगे, 281,230 में प्लस करेंगे 395,000, क्लियर। अब इनको जो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस करते हैं तो 230,617 और ये 6, तो ये जो है 676,230 मीटर, ये तो टोटल डिस्टेंस होगी। अब आते हैं टोटल टाइम पर, तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम, अब टोटल टाइम में यहाँ पे 6 आवर था और एक 7 आवर था, तो इनको प्लस करते हैं, 6 प्लस 7 कितना होगा, ये हो जाएगा 13 आवर्स। अब हमें चेंज करना है किसमें, सेकंड में, आवर्स में, 1 आवर्स में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं या फिर 3600 सेकंड होते हैं 1 आवर में, तो 13 की मल्टीप्लाई 3600 में करेंगे, तो 36 जा कितना होगा, 36 जा 78 का 8 यहाँ पे लिख दिया, कैरी 7, 33 जा 39 और 7 कितना होगा, 46, यहाँ पे 20, तो ये हो गया मैं टोटल सेकंड 46,800 सेकंड। क्वेश्चन 6, 11,68,975 स्टूडेंट appeared in an examination in 2018. Next year, the number increased by 1,50,175 student. How many student did appear in the examination next year? Okay, student. देखिए यहाँ पे 11,68,975 student appeared थे 2018 के exam में. Next year, कितने increase हुए? 1,50,175, मतलब इतने बढ़ गए, तो ये बताना है कि नेक्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिए,
तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एन एग्जामिनेशन 2018। तो कितने स्टूडेंट थे? 11,68,975 स्टूडेंट थे। क्लियर। अब इसके बाद में इन नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, तो यहां पे कितने इंक्रीज हुए? 1,50,175। तो हम यहां पे लिखें क्या? यहां पे लिखेंगे 11,68,975, इसमें प्लस कर देंगे क्या? 1,50,175 स्टूडेंट को। क्लियर, क्योंकि इतने नेक्स्ट ईयर बढ़ गए। तो अब टोटल कितना होगा? टोटल में इनको प्लस करते हैं, 5 + 5 10, 10 का 0 carry 1, 7 + 7 14, 14 + 1 15, 15 का 5 carry 1, 1 + 9 10, 10 + 1 11, carry 1 0 + 8 8, 8 + 1 9, फिर इसके बाद 5 + 6 11, carry 1 1 + 1 2 + 1 3 और फिर 1। तो इस तरह से 13,19,150 स्टूडेंट है जिन्होंने 2019 में एग्जाम दिया था। क्लियर।